हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ अविनाश। आप देख रहे हैं अपना चैनल अनिका ट्यूटोरियल। मैं आपको इस वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, और इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है कि कैसे एक ही टर्म में आ जाएगा, वाई एक ही टर्म में आ जाएगा। इसके लिए आपको बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x+5y = 19, और दूसरा है 5x+7y = 31। इसमें हमारा एक्स टर्म और वाई टर्म को हमें ज्ञात करना होता है, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। इसके लिए एक ट्रिक, एक्स निकालने के लिए x = आप एक मान लीजिए r/α, एक r/α, और वाई के लिए α/α। आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसा फॉर्मूला है, पर मैं इसको बनाऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा कि सच में ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है, और ये बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही इजी वे से निकलता है। जैसे कि हमें एक्स का टर्म निकालना है इस इक्वेशन, ये देखिए दो इक्वेशन है, एक्स टर्म निकालना है, तो जो टर्म निकालना है उसको हम बंद, उसको ढक देंगे, उसको नहीं ध्यान देना है, और आर लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से इंटू करना है। देखिए इसको इंटू यहाँ पे करते हुए यहाँ माइनस लगा के, जैसे यहाँ 5 है तो 5 31 में इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 5 155 माइनस, इसको ये x = हम निकाल रहे हैं, और माइनस लगा के 7 × 19 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ये 7 9 3 6 7 6 13 बाई जो अल्फ़ा है। तो अब हम इसको अल्फ़ा निकालने के लिए इसको हम ढक देंगे और अल्फ़ा निकालेंगे इससे, तो अल्फ़ा निकालने के लिए मेरा अल्फ़ा कैसे लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे 5 × 5 - 2 × 7, यानी 25 - 14, यहाँ पे आ गया मेरा 22/11। ये मेरा एक्स का पुट हो गया, तुरंत वैल्यू मेरा आ गया 2। इसी तरह वाई निकालने के लिए α/α, तो वाई निकालना है तो हम इसी को बंद कर लेंगे, इसको ढक लेंगे अल्फ़ा निकालने के लिए। तो ये देखिए हम क्लियर दोबारा लिख दे रहे हैं इस इक्वेशन को, निकालने के लिए आपको अच्छा लगेगा, अच्छा से दिखेगा। 5y = 19 और 5x+7y = 31। अब देखिए y निकालना है तो y को हम ढक लेंगे और इंटू करना है यहाँ ऐसे अल्फा जैसा, तो यहाँ ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ निकाल, तो यहाँ हो जाएगा 19 × 5, तो 19 × 5 करने पे हमारा आएगा 5 95 - 62 भाई अल्फ़ा। हम पिछले नीचे निकाले थे नीचे वाला अल्फ़ा के लिए, इसको ढक देना है और ऐसे कर देना है, तो इसके लिए मेरा आ गया था 25 - 14 = 11। ये वाई हमारा निकल रहा है तो ये आ गया मेरा 33/11 11, ये मेरा 3 आंसर हो गया। इस तरीके से बहुत ही इजी वे से हम निकाल लेंगे, एक्स मेरा आ गया 2 और वाई मेरा आ गया 3। हमें समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो हम बनाएंगे तो ये बहुत ही कम समय में 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड में निकल जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी होगा आपके मन में वो ज़रूर आप इस कमेंट बॉक्स में दें।